विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट जीआई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हमारा पता है दुबौली नियर राम गिरिसराय पीजी कॉलेज रामनगर जानीपुर से 100 कदम पश्चिम दिशा में कौड़ीराम गोला रोड जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट के बच्चों ने मॉडल तैयार किया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 दिसंबर है, मतलब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस उपलक्ष्य पर हमारे इंस्टीट्यूट में प्रदर्शनी लगाया गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में कंप्यूटर के प्रति जागरूकता फैलाना है। कंप्यूटर मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे कोने कोने तक ले जाने और विशेष रूप से भारत में बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी। आज हम आए हैं जीआई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दुबौली जो रामगिरिसराय पीजी कॉलेज है उसके जस्ट पूर्व दिशा में पड़ता है और बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ के डायरेक्टर सर हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रवि विश्वकर्मा है। सर, आज विश्व कंप्यूटर दिवस है। सर, आप मैं देख रहा हूँ बच्चे काफी अपने ये प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूट कब से आपका? सर, मेरा इंस्टीट्यूट 2019 में हमने इसको ओपन किया था और खासतौर पे मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे बहुत ही मतलब इच्छुक ना रहने की वजह से हमने यहाँ पे प्रोग्राम अपना इंस्टीट्यूट डालने की कोशिश किया और आज यहाँ के लोगों की वजह से और बच्चों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ से चल रही हैं और हमने एजुकेशन को कंप्यूटर एजुकेशन को और स्तर पर लेके आने की है और आज सभी लोगों को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पे सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ और ख़ासतौर पर हमारे यहाँ सभी जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही उत्सुकता से और अपनी प्रोजेक्ट को तैयार किया और लोग यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज की, तो इन लोगों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जो भी व्यूअर हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं तो देख रहा हूँ काफी उत्सुकता से ये लोग। अभी देखिए, आप दिखाता हूँ इन्होंने ये तैयार। अभी मैं आपको जीआई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर का सीन हम दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे अपने मॉडल तैयार करने में लगे हुए हैं और लगभग इनका मॉडल बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही समय में आपको बाहर प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। तो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या क्या इन्होंने मॉडल तैयार किया है, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, नेटवर्किंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, आईटी प्रोवाइडर, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट पर मॉडल तैयार किया है। इसलिए इन बच्चों के हौसला को प्रोत्साहित करने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जीआई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, बिल्कुल देखे मिस मत करिएगा। जी सर, अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव जी, आपने बहुत बेहतरीन मॉडल बनाया है और टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर से चलता है और बहुत अच्छी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और एकदम थोड़ा सा इधर लाइएगा, देखिए ये लैपटॉप का 2 कॉपी इन्होंने बना दिया है, बहुत ही अच्छा। और ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने प्रकार के नेटवर्क हैं? 4 प्रकार के नेटवर्क हैं, लैन है, वैन है, पैन है और वैन है। चलिए ठीक है, आज आपको प्रदर्शनी में अपना योगदान दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस अच्छा ये इंस्टीट्यूट के लिए दो सब हमारा जो इंस्टीट्यूट है जीटेक इंस्टीट्यूट, हम यहाँ पे एडमिशन करके बहुत ही खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि और भी जितने भी बच्चे हमारे स्टूडेंट या हमसे जुड़े हुए हैं वो भी आएं और यहाँ पे पढ़ें और कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करें। बहुत अच्छा। आइए इधर, क्या नाम आपका? सचिन राज।
सचिन राज जी, आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो ये क्या बना है आप ही बताइए। ये ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट, देखिए ऑनलाइन पेमेंट जब पहले शुरुआत हुआ था लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे, है ना। आज कितना आसान हो गया, 2 रुपया पेमेंट करना है ऑनलाइन कर दीजिए, बहुत अच्छा। आपका क्या है? Myself रिया सिंह। ये बताइए मॉडल। लोकल एरिया नेटवर्क है। जो लोकल एरिया नेटवर्क बड़ा दिक्कत होता है लोकल क्षेत्र में, 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है और डाटा को शेयर करता है। चलिए बहुत अच्छा है। आगे क्या सपना आपका? IAS ऑफिसर। IAS, इनके लिए ताली बजाइए। तो बहुत अच्छा। आपका? Myself दिव्या मौर्य। ये क्या आपने बनाया? और हम लोगों ने ये रोबोट बनाया है। ये लिखा है जमा करें, क्या कुछ पैसा जमा करना है? अच्छा अच्छा, मैं सोचा मुझे कुछ जमा करना है। चलिए कर सकते हैं ना। चलिए आपका नाम? प्रतिभा यादव। प्रतिभा यादव जी, क्या आपने क्या बनाया है? रोबोट बनाया है। रोबोट, तो रोबोट तो हर काम को आसान कर दिया है ना। और बोलता भी है, हमारा रोबोट बोलता भी है। आपका रोबोट बोलता है? दिखाइए बोला कर। हमारे अरे वाह, देखिए इनका रोबोट बोल रहा है। चलिए बहुत अच्छा। ये प्रिंटर है। आपका नाम? सर शिवांगी नायक। शिवांगी नायक, तो नायक फिल्म देखा आपने? जी सर, देखा। प्रिंटर बनाया है ना? जी सर। तो प्रिंटर का रेट तो बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया, क्या कारण? सर इसका इंक महंगा हो गया है, पेपर भी बहुत महंगा बिकता है। लेकिन जो भी बनाया है एकदम सेम टू सेम कॉपी लग रहा है, बहुत बेहतरीन बना है। आप लोगों ने जो बहादुरी दिखाया है, अपना मन मस्तिष्क दिखाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं सभी लोग। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। आपका नाम? विवेक प्रजापति जी। आपका नाम? अभिषेक पांडे। आप लोग क्या बनाए हैं? अच्छा अच्छा, मेन पार्ट्स आप कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं? मॉनिटर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस। चलिए, और ये क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, तो दिन में कितनी बार पूजा करते हैं आप? सर सुबह में बस। सुबह में? चलिए अच्छा, चलिए ठीक है। विद्यार्थी की सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। तो आपने जो मॉडल बनाया है, तो इसमें कितने लोग शामिल हैं? पूरे बैच मेंबर्स। क्या नाम आपका? कनक लता। आपको मैं कुछ पहचानता हूँ? यस सर, हम बीएड के स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा है। आपका नाम? पूजा यादव। पूजा यादव। अच्छा, आपका नाम? अमिता पांडे। अमिता पांडे जी, तो आप इसी में हैं, शामिल हैं? अच्छा, आपका तो चलिए, आप लोगों ने ये इंस्टीट्यूट का पूरा कमरा खाका तैयार कर दिया है। तो इतना अच्छा ये जो कमरे का लेंथ था, तो कैसे आप लोगों ने बनाया इसको? सर पहले तो हम लोग मार्जिन करके सब लोग बनाए हैं। आप जी? सर मतलब हम लोग ये तो इसमें जो जो सामान लगा है, तो उसका सामान का खर्चा कहाँ से आया है? सर हम सभी लोगों ने मिलकर किया है। चलिए, जब आप लोगों के पास इतना हिम्मत है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक नया मॉडल दिख रहा है, सेटेलाइट। तो सेटेलाइट से क्या क्या आजकल काम आसान हो गया? सर सेटेलाइट से जैसे कि अब जैसे देखा जाए तो हम कम्युनिकेशन जो है बहुत सरलता से कम्युनिकेट एक दूसरे से कर पाते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे इंडिया में हों या किसी अदर कंट्री में। सेटेलाइट की वजह से ये रिसीवर लगा हुआ है सर, इससे हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूसरे से, कहीं भी रहते हैं। संचार, हमारा संचार व्यवस्था बहुत आसान हो चुका है। आगे क्या सपना आपका? अब सर दिन पे दिन तो हमारा ये जो आपका क्या सपना आगे बनने का? सर मुझे टीचर बनना है। टीचर? यस सर। आपकी कामना पूर्ण हो। आपका नाम क्या है? प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता जी, आपने इसी में है जी। चलिए आगे क्या योजना आपकी? आगे देखा जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा, जो भी होगा देखा जाएगा। आपका नाम? सरुण मौर्य। आपने क्या बनाया है? सर नेटवर्किंग एरिया बनाया। नाम बता दीजिए आप लोग। मेरा नाम कनिका पाल है। शिवांगी पांडे। आप ही हैं? नाम बता दीजिए। ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, तो देखिए आप लोग सारा पार्ट दिखाइए, कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। ये कंप्यूटर क्या है? नेटवर्क से संबंधित जो भी है टूल्स लगते हैं, सारा कुछ बनाया है। और ये लिखा है GI टेक नेटवर्किंग एरिया, बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनाया है। तो देखिए अगला प्रदर्शनी यहाँ पर है, सारा जगह गूगल गूगल लिखा है। ये क्या है ये गूगल गूगल? सर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सर टोपोलॉजी है। अच्छा, टोपोलॉजी क्या होता है? सर टोपोलॉजी होता है जैसे सर हमको सिस्टम से डाटा ट्रांसफर करना है, वो सर मतलब उसी के लिए होता है। डाटा ट्रांसफर इसी में है। क्या नाम आपका? वीर सिंह।
पीरसिंग, तो इसकी कुछ खासियत बताइए आप। खासियत सर ये कि सर ये हमारे मतलब टेक्नोलॉजी है वो छह प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है पीयर टू पीयर, मतलब एक दूसरे से कंप्यूटर में जुड़े रहते हैं उसमें डाटा आदान प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर में कर सकते हैं। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, इसमें इसको सर हम सर्किट नाम से भी जानते हैं, इसमें डाटा बारी बारी से मतलब जाएगा और डाटा का आदान प्रदान इस तरह से मतलब करेंगे हम लोग। इसका जो बाकी जो काम बचा है यहाँ पर पूरा कर दिया गया यहाँ पर मेस टोपोलॉजी में। इसमें सर क्या है कि मतलब इसमें डाटा आप इधर से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब सर्किट जैसे नहीं लेकर चारों तरफ से। अच्छा अच्छा, कैसे डाटा चोरी नहीं। आपका नाम क्या है? क्षमा मिश्रा। क्षमा मिश्रा, इसके अलावा और भी कोई पढ़ाई होती है? हाँ जी, बीकॉम। कहाँ से कर रहे हैं आप? राधिका महाविद्यालय राधिका। इसके बारे में कुछ बताइए। ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी है, ये इतना कठिन काम आपने किया है, कहाँ से आपने इसका क्लू? हम लोगों के हाथों का कमाल है। अच्छा? हाँ जी, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। चलिए ठीक है, आगे क्या बनना चाहती हूँ? मैं तो बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, मतलब काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैंक मैनेजर सीए के क्षेत्र में आगे जाएंगे। इस इंस्टीट्यूट के बारे में ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं। आपके सर से तो मैं पहली बार मिला हूँ, मुझे लगा कि शायद बहुत पुराना परिचय हिंसा बहुत मृदुभाषी हैं। क्या नाम आपका? मधु यादव। मधु यादव जी, आप तो डर रहे हैं लगा। नहीं ना, चलिए बहुत अच्छा है। ये बना करके कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। सरिता चौहान, आप भी इसी में शामिल हैं, तो क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? बनने का तो टीचर है, मतलब टीचर बनना है। क्या नाम आपका? प्रीति नायक। प्रीति नायक जी, तो आपका कौन सा मॉडल? वो वाला सर वो उसी में है, मतलब ये है सारे लोगों ने मिल करके बनाया है और बहुत मेहनत किया है, ये नहीं कहा जा सकता किसी एक का है, सारे लोगों ने सहयोग से किया है। और देखिए, चलिए देखिए, इस प्रदर्शनी में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि किस विद्यालय के हैं, पी आर जी अकेडमी से हैं। क्या नाम आपका? मौसम गौर। मौसम, तो ये प्रदर्शनी आप देखी हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मन में आया होगा हम भी कंप्यूटर सीखें, तो एडमिशन कल से होगा? हाँ। तो एडमिशन करवा लीजिए, बेहतर है। क्या नाम आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी जी, आप बहुत मुस्कुरा रही, क्या बात है? कुछ मिला क्या? तो ये प्रदर्शनी देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। क्या चाहती हैं कंप्यूटर सीखना? चलिए, आपका नाम? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जी, आपका क्या ख्याल है बताइए? कुछ गाना जानती हैं? नहीं, हमको नहीं। आपका नाम? संजना कुमारी। संजना कुमार, आपका नाम? खुशी कुमारी। तो अच्छा लगा ना आपको? चलिए आप लोग और भी देखिए, ठीक है ना। आज 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में इस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल तैयार किया, काफ़ी काबिल तारीफ है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इनके हौसलों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।